हेलो सा, तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग है बेसन के गट्टे की सब्जी। बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे बनाए मैं बनाने जा रही हूँ, आप सबको बताती हूँ। चलिए किचन में चलते हैं, आइए। यस, तो आ गए हम किचन में। अब हम लेते हैं बेसन, हमारे बेसन के गट्टों की, ठीक है। फिर हम इसमें डालते हैं अपना मसाला। मैं डालने जा रहा हूँ, अपने हिसाब से डाल लीजिएगा आप, स्वादानुसार, जो आप जितना आपको टेस्ट लगे, जितना आपको उचित लगे उतनी मात्रा में आप डालिएगा। अगर कम मिर्ची खाते हैं तो कम डालिए, तीखा खाते हैं तो तीखा डालिए। नमक, मिर्ची, नमक, थोड़ा सा इसमें डाल देते अपन जीरा, ठीक है। और फिर थोड़ा सा डालते हैं अपन इसमें ये तेल, ठीक है। फिर थोड़ा सा डालते हैं अपन इसमें दही, जिससे कि टेस्ट हो जाए। जब तक हम वो लगाएंगे, बेसन का आटा लगाएंगे ना, तब तक अपन इसमें पानी चढ़ा देते हैं गरम, तो थोड़ा पानी उबलता रहेगा इसमें, ठीक है। अब अपन इस आटे को गूंथते हैं थोड़ा सा पानी लेके, टाइट टाइट सा। पहले तो इसको मिक्स कर लेते हैं अपन अच्छे से, फिर इसमें डालेंगे हल्का हल्का पानी। इसको टाइट टाइट लगाना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। इसमें दही डाला था ना अपन ने, तो दही से ही हो गया है थोड़ा, तो पानी इसमें थोड़ा ही डलेगा, अब ज़्यादा नहीं डलेगा। पूड़ी के आटे के जैसे लगा लेते हैं इसको। चलो मैं पानी डालती हूँ इसमें। हाँ, तो अब इसमें डालते हैं अपन हल्का सा पानी। पानी डाल के टाइट आटा लगा के और इसके गोल गोल से वो बना लेते हैं अपन बेले, लंबे लंबे गोल गोल कैसे भी बना सकते हैं अपन। अपना आटा लग गया, अब गोल गोल से बेले बना के रख देते हैं। हाँ, तो अब अपना पानी उबल चुका है, अब अपन इसमें डालते हैं ये जो अपन ने बनाए थे ना बेले बेसन के, ये एक एक करके इसमें डाल देते हैं। पानी बॉईल करने से क्या है ना, मतलब ये थोड़ा चिपकते नहीं है एक दूसरे के, ठंडे पानी में डालते हैं तो अपन चिपक जाते हैं, इसलिए पहले पानी को अच्छे से खूब बॉईल करना चाहिए, फिर उसमें ये डाल दो, फिर इनको उबलने देना है अच्छे से, ठीक है। अब ये उबलने दो अच्छे से, तब तक अपन लहसुन छील लेते हैं और बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। थोड़ा गर्म है ना, इसलिए इसको कपड़े से पकड़ के, अब इसमें है ना, इस सब्जी में ना पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पहले, क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी बहुत है। ओहो, बहुत गर्म है, आराम से करिएगा। ये डाल दें, अब इनको थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। इस सब्जी में पानी नहीं डलता इनको, है ना, ये पानी काफ़ी होता है। इसको थोड़े थोड़े कट करेंगे, उससे पहले अपन बनाते हैं इसमें अपन सब्जी का मसाला। अपन ने तेल डाल रखा है, थोड़ा करते हैं तेल को गरम। तेल गरम हो रहा है, जब तक अपन कर लेते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े, इनके सबके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं अपन। तो देखिए ये हो गए अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए बेसन के जो बेले बनाए थे अपन ने, और इसका पानी इसमें डाल दिया मैंने, बाद में फिर सब्जी में डालेंगे। ये मैंने मसाला तैयार करा हुआ है इधर, और अपना कम तेल गरम होने वाला है। तेल गरम होने के बाद मैं ज़्यादा मसाले वगैरह तो डालती नहीं हूँ इसमें, तेज पत्ता वगैरह ऐसे कुछ नहीं डालती। अब अपना तेल गरम हो चुका है, अब अपन इसमें सबसे पहले डालते हैं जीरा। और फिर डालते हैं एक दो काली मिर्च, लौंग और एक इलायची थोड़ी सी मसाले के लिए। और थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें राई, राई से है ना सब्जी का लुक अच्छा आता है। अब इनको थोड़ा, जीरे को थोड़ा पक जाए एकदम,
फिर इसमें डालेंगे अपन प्याज जो मैंने कट कर रखे हुए हैं, और ऊपर प्याज। धो के रखे हुए थे मैंने पहले, अब ये थोड़ा प्याज को ब्राउन होने तक पकने देते हैं। अब अपन ने प्याज हो चुके ब्राउन, देखिए कितना मस्त कलर लग रहा है। अब इसमें डालते हैं अपन मसाला जो अपन ने तैयार किया था, नमक मिर्ची हल्दी धना लहसुन, थोड़ा सा पानी डालते हैं। अब इस मसाले को अपन अच्छे से पकने देते हैं जब तक कि करी ना आ जाए ऊपर। मसाला अच्छे से भूनते हैं, थोड़ा पकने देते हैं थोड़ी सी देर, इस मसाले को हिलाते रहते हैं चलाते रहते हैं। फिर अपन इसमें ऐड करेंगे दही, मसाले को पकने देते हैं। देखिए अपना मसाला है जो है कि पूरी तरह से भून चुका है, देखिए लग रहा है आपको। अब अपन इसमें डाल देते हैं दही। दही से क्या है थोड़ी सी खटाई आ जाती है सब्जी में। अब इसमें अपन टमाटर तो डालते हैं नहीं, तो दही डाल देते हैं और फिर थोड़ी सी डाल देते हैं हींग टेस्ट अनुसार, ज़्यादा भी नहीं थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। फिर इसको पकाते हैं, फिर दही डालने के बाद इसको थोड़ा पकाते हैं। चलिए देखते हैं अपना जो दही डाला था वो लगभग पक चुका है और मसाला भी एकदम बढ़िया सा पक चुका है। देखिए अब अपन इसमें डालते हैं जो अपन ने वो पानी रखा था ना, वो पानी डाल देते हैं। दूसरा पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इस पानी को थोड़ा उबलने देते हैं, फिर जब ये पानी उबल जाएगा तब अपन इसमें डाल देंगे ये जो अपन ने बेसन के डाल। इसमें कुछ भी नहीं डाला अपन, जो सिंपल घर पे जैसे नॉर्मली घर पे सब्जी बनाते हैं ना वैसे ही बनाई है, ज़्यादा कोई वो नहीं किया मैंने, ज़्यादा तामझाम नहीं डाले मतलब ये है मेरा। अब अपन अपना पानी उबल चुका है, ठीक है अब अपन इसमें डालते हैं अपने ये जो बेले, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि इसका पूरा जो बेसन का है ना वो पूरा आ जाए। या अब इसमें डाल दिया अपने सारे बेसन के बाद, अब इसको पकाते हैं थोड़ा। मौजूद सामानों से ज़्यादा बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, जो डेली मसाले यूज़ होते हैं ना अपने उन्हीं मसालों से बनाई है मैंने सिंपल सब्जी। इसको थोड़ा बॉईल थोड़ा उबलने देते हैं, थोड़ी सी गाढ़ मतलब हिंदी मारवाड़ी बोले थोड़ी सी जाडी हो जाए सब्जी जितना कोई ना ढक दें, ठीक है। हाँ तो साफ बन चुकी है अपनी बेसन के गट्टे की सब्जी। वाओ यस यस, वो तो खाने के बाद पता चलेगा कैसी है कैसी नहीं है, जाडी भी होगी और बनेगी। बस कर देते अपन गैस बंद, अपनी हो गई सब्जी तैयार। तो बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं और मेरी बनाई हुई सब्जी कैसी लगी आपको। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है मैंने। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, एंड पसंद आए तो वीडियो लाइक करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय माता दी।